हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृते नमः। हरे कृष्ण। ये रीडिंग आदि लीला चैप्टर 13 28 तो से लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्स 29। शुरू कर देते थोड़ा सा सूत्रवृत्ति पांजी टीका कृष्णे ते तात्पर्या शिष्येरा प्रतीताया प्रभावा आश्चर्या। व्हेन टीचिंग अ कोर्स इन ग्रामर व्याकरण एंड एक्सप्लेनिंग इट विद नोट्स श्री चैतन्य महाप्रभु टॉट हिज डिसाइपल्स अबाउट द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ऑल एक्सप्लेनेशंस कल्मिनेटेड इन कृष्णा एंड हिज डिसाइपल्स वुड अंडरस्टैंड देम वेरी इजिली, दस हिज इन्फ्लुएंस वॉज वंडरफुल। ओके तो इसमें बेसिकली बताया कि महाप्रभु, हमें पता है कि वो व्याकरण में बहुत एक्सपर्ट थे, ग्रामर में बहुत ज्यादा बड़े ऐसे ज्ञानी थे ना, फिलोसोफर टाइप। तो वो क्लासेस लेते थे और वो पूरा समझाते थे, एक्सप्लेन करते थे नोट्स के साथ, और भगवान कृष्णा की ग्लोरी सिखाते थे। एंड ऑल द एक्सप्लेनेशन कल्मिनेटेड इन कृष्णा। जैसे प्रभुपाद के सारे परपोट्स में कृष्णा ही होते हैं, उनको समझ आता था अच्छे से। कंपाइल्ड अ ग्रामर इन टू पार्ट नेम्ड लघु हरि नामामृत व्याकरण एंड बृहद हरि नामामृत व्याकरण। दीज टू टेक्स्ट इन व्याकरण और ग्रामर ही लर्न्स द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज एंड साइमल्टेनियसली लर्न्स हाउ टू बिकम अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मध्य खंडा फर्स्ट चैप्टर देर इज अ स्टेटमेंट अबाउट द मेथड बाई विच लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु टॉट ग्रामर। महाप्रभु लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन द एफोरिजम्स ऑफ ग्रामर टू बी इटर्नल लाइक द होली नेम ऑफ कृष्णा। द गीता 15.15 वेदेश च सर्वैर अहम् एव वेद्या द पर्पोट ऑफ ऑल रिवील्ड स्क्रिप्चर्स इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णा। देयरफॉर इफ अ पर्सन एक्सप्लेन्स एनीथिंग दैट इज नॉट कृष्णा ही सिंपली वेस्ट हिज टाइम लेबरिंग हार्ड विदाउट फुलफिलिंग द एम ऑफ हिज लाइफ। If one simply becomes a teacher or professor of education but does not understand Krishna, it is to be understood that he is amongst the lowest of mankind, as stated in Bhagavad Gita 7.15. Maya Prihet Jnana. If one does not know the offense of all revealed scriptures but still becomes a teacher, his teaching is like the disturbing braying of an ass. Pretty bold. So Prabhupada, very heavy here. पद ये कह रहे हैं कि जीव गोस्वामी ने एक व्याकरण दी है दो भागों में, एक तो लघु हरि नामामृत व्याकरण और एक बृहद हरि नामामृत व्याकरण। और अगर कोई ये दोनों ग्रामर पढ़ ले, व्याकरण पढ़ ले, ये दोनों बुक्स, तो उसको सारे संस्कृत के ग्रामेटिकल रूल्स आ जाएंगे, मतलब उसको संस्कृत बहुत अच्छे से आ जाएगी। एंड साइमल्टेनियसली वो डिवोटी भी बनेगा भगवान का, क्योंकि जीव गोस्वामी ने दी है और उन्होंने कृष्णा भी दिए हैं साथ में, तो फिर वो बता रहे कृष्ण चैतन्य भागवत के बारे में। किसी को याद है किसी हमने डिस्कस किया था कि चैतन्य भागवत किसने लिखी है? जैसे वो कविराज गोस्वामी जी, कविराज तो गोस्वामी चैतन्य चरितामृत है ना, वो तो हम पढ़ रहे हैं। चैतन्य भागवत भागवतम भागवतम वेद नहीं, व्यास चैतन्य भागवत और दोनों। चैतन्य भागवत, वो नहीं पता मुझे। तो हमने ये बात की थी पिछली बार, तो चैतन्य चरितामृत जो है वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी है ना। वो डिवाइडेड है तीन पार्ट में, जिनको हम बोलते हैं जैसे लीला, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। लेकिन चैतन्य चरितामृत के से पहले एक बुक आई थी चैतन्य भागवत, ठीक है, चैतन्य भागवत लिखी थी वृंदावन दास ठाकुर ने। ओके और वो डिवाइडेड होती है तीन खंड खंड में, जैसे आदि खंड, मध्य खंड, अंत खंड। तो तीन खंड खंड में डिवाइडेड होती है, ठीक है, जैसे इसमें लीला बोलते हैं, इसमें खंड बोलते हैं। तो क्योंकि, और इसका नाम चैतन्य भागवत है क्योंकि ये किसने लिखी है? वृंदावन दास ठाकुर ने। वृंदावन दास ठाकुर को बोलते हैं कि वो व्यास देव के एक्सपेंशन या इनकारनेशन है, समझ रहे हैं बात? वृंदावन दास ठाकुर को बोलते हैं कि वो व्यास देव के इनकारनेशन है। तो जैसे व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम दी है, इसी तरीके से जब व्यास देव वृंदावन दास ठाकुर की फॉर्म में आए तो उन्होंने चैतन्य भागवत दी। ओके और इस चैतन्य चरितम जो हम पढ़ रहे हैं, कविराज
आप कहोगे कि अगर ये बुक आ चुकी थी चैतन्य भागवत, तो चैतन्य चरितमृत की क्या जरूरत थी। और यही बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी बोली थी, अपनी बुक में ही बोली है शुरू में, कि वृंदावन दास ठाकुर इतना कुछ लिख चुके हैं चैतन्य भागवत में कि मेरे लिए अब कुछ खास मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो ही पढ़नी चाहिए। वो अपने आप को बार बार लोअर हम्बल पोजिशन में रख के ये बोलते हैं कि आपको उनकी बुक पढ़नी चाहिए, मेरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहते हैं फिर भी मैं थोड़ा बहुत प्रयास करूंगा, हम्बली बताऊंगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में, स्पेशली उन एरियाज पे फोकस करूंगा जो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में नहीं दिए हैं। इस तरीके से ऐसे नहीं कि कोई कंपटीशन है कि उनकी बुक से ऊपर आएगी मेरी बुक, जैसे आजकल दुनिया में होता है, नहीं ऐसे नहीं है। इट्स द अदर वे कि मेरी बुक तो को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उनकी ही पढ़ो, मैं तो बस थोड़ा बहुत उसको बताऊंगा जो उन्होंने जिस पे उन्होंने जोर नहीं दिया अपनी बुक में, बस। ऐसे बहुत ही हम्बल मूड में कृष्णदास कविराज ने अपनी चैतन्य चरितमृत प्रेजेंट किया है। और चैतन्य भागवत आपको याद होगा, हमने एक दिन जब नित्यानंद अपियरेंस दी थी उसमें इसमें से पढ़े थे वर्सेस, ये तो इस पे हमें कमेंट्री किसने दी है, प्रभुपाद ने तो नहीं दी राइट? प्रभुपाद ने तो चैतन्य चरितमृत पे कमेंट्री दी है ना, ये सारी जो हम पढ़ रहे हैं। तो किसी को पता नहीं है कि हमने जब नित्यानंद अपियरेंस डे पे हमने ये बात डिस्कस भी की थी कि चैतन्य भागवत पे किसने कमेंट्री दी है, हम किसकी कमेंट्री पढ़ रहे थे एक दिन हम पढ़ रहे थे, आई थिंक यू वर बोथ देयर। तो वो दी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, ठीक थिंकिंग है, उन्होंने दी उनके उनके गुरु ने, तो क्योंकि वो दे चुके थे इसलिए प्रभुपाद ने उस पर नहीं दी, प्रभुपाद ने चैतन्य चरितमृत पे दी। अच्छा, फिर महाप्रभु की जो बायोग्राफीज हैं, क्योंकि महाप्रभु तो कृष्णा हैं तो वो बहुत ही वंडरफुल अमेजिंग पर्सनालिटी हैं जिनकी लीलाओं का कोई आदि कोई अंत नहीं है राइट। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो बायोग्राफीज हैं, ओके और भी हैं, ओके और मुझे कुछ कुछ के नाम पता है लेकिन हम इनको आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, और उनके कौन कौन राइटर ऑथर्स हैं और वो हमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सबसे मेन चैतन्य चरितमृत है क्योंकि उसको प्रभुपाद ने बहुत ऊपर रखा है। प्रभुपाद ने बहुत भागवतम की टीका छोड़ के, भागवतम के परपोट छोड़ के प्रभुपाद ने चैतन्य चरितमृत को ट्रांसलेट किया था, इसलिए प्रभुपाद याद है भागवतम पूरी नहीं कर पाए थे, 10th कैंटो पे ही थे व्हेन ही लेफ्ट राइट। तो प्रभुपाद ने भागवतम को रोक के चैतन्य चरितमृत हमको दी है, इसलिए हमारे लिए चैतन्य चरितमृत ही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम पहले इसको पढ़ेंगे और जब हम ये पढ़ लेंगे कभी लाइफ में तब हमें ये चैतन्य भागवत को भी देखना चाहिए, क्योंकि तो बहुत उसमें बहुत ऐसा नहीं कि सेम ही कंटेंट है, बहुत अलग डिफरेंट कंटेंट है। बहुत सी लीलाएं तो आप देखी सुनते हो ना महाप्रभु की, हरिदास ठाकुर की या उनके एसोसिएट्स की, वो चैतन्य भागवत में से डिवोटी सुनाते हैं एक्चुअली कई बार। मतलब चैतन्य भागवत में उनकी बाल लीलाएं ज्यादा बताई है ना। हाँ बाल लीलाएं भी हैं और भी बहुत सारी लीलाएं हैं जो इसमें नहीं है चैतन्य चरितमृत में, क्योंकि दोनों ने अपना उन्होंने अलग लिखा था कृष्णदास कविराज ने ना, बट यू आर राइट उसमें बहुत सी बाल लीलाएं भी आती हैं। आपको भी एक पता होगा माता जी जो बड़ा फेमस वर्स है, अजानु लंबिता भुजो कनका बधातो, वो वाला अजानु लंबिता लंबी भुजो बोलते हैं, उनकी लंबी आर्म्स हैं, बहुत लंबी आर्म्स हैं जो नीज तक पहुंचती हैं, इतनी ये कैरेक्टरिस्टिक होता है ग्रेट पर्सनैलिटीज का कि उनकी भुजाएं बहुत लंबी होती हैं और नीज तक पहुंचती हैं। तो वो वर्स जो है दैट इज द फर्स्ट वर्स ऑफ चैतन्य भागवत, अच्छा तो पूजा है मतलब आम आम आर्म्स। आम जैसे ओके लंबी आम, तो ओके ऐसे बोलते हैं कितने लंबे आम या हाथ है उनके कि वो दुनिया के मतलब सब जगह में फैलेंगे, मतलब दे गिव डिस्ट्रीब्यूट मर्सी विद दोस लॉन्ग आर्म्स एवरीवेयर। तो ठीक है, बस इसमें फिर और क्या बताया, व्याकरण या ग्रामर के बारे में बताया, फिर प्रभुपाद ने बोला कि ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं कि जिससे आपको कृष्णा के बारे में समझ नहीं आया, बिकॉज दैट जो इसलिए जो मटेरियल एजुकेशन हमें इस दुनिया में मिलती है जिसमें कृष्णा का कोई संबंध नहीं होता, दैट इज लाइक अ विद्या, दैट इज नॉट विद्या, दैट इज अ विद्या, क्योंकि वो हमें इस दुनिया में बांध के रखती है, उसकी उसकी वजह से हम में प्राइड आती है, अहंकार आता है, अनर्थाज आते हैं, उसकी वजह से लोग इस दुनिया में फंसे रहते हैं, भगवान से और दूर होते हैं, लेकिन विद्या वो होती है जो भगवान के पास लेके जाती है, डिफरेंस बताया। और ये बताया कि असेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स इज कृष्णा, ये कृष्णा ने बोला है भगवद गीता में 15.15 वेरी फेमस वर्स, कि असेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स इज कृष्णा,
जब इसलिए प्रभुपाद ने भी इसी मूड में भगवद गीता को ट्रांसलेट किया था कि हर वर्ष में कृष्णा के पे ही खत्म होगी। तो कई बार समझ नहीं आता लोगों को कि कैसे प्रभुपाद ने इसमें इस वर्ष में कैसे कृष्णा को घुसाया, इसमें तो कुछ है नहीं कृष्णा से रिलेटेड, कृष्णा कॉन्शियसनेस से रिलेटेड, लेकिन प्रभुपाद ने हर वर्ष में हमें कृष्णा को दिया है। इसलिए प्रभुपाद की भगवद गीता इज सो अमेजिंग, सो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर भगवद गीता। कोई भी और भगवद गीता में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृष्णा ही कृष्णा हो हर वर्ष के थ्रू। तो दिस इज द मूड ऑफ महाप्रभु आल्सो, यू कैन सी इन दिस वर्स की ऑल एक्सप्लेनेशंस कल्मिनेटेड इन कृष्णा। ऐसी प्रभुपाद भगवद गीता में भी ऑल एक्सप्लेनेशंस ऑलवेज कल्मिनेटेड इन कृष्णा। ये बात समझ नहीं आती लोगों को, अदर देन डिवोटीज नोबडी अंडरस्टैंड्स दिस पॉइंट कि प्रभुपाद की भगवद गीता दूसरों से डिफरेंट कैसे है। क्योंकि अच्छा इसमें आप थोड़े पर्पोट चाह रहे हैं लग रहा है, नोबडी एल्स वांट्स टू रीड। आई कैन रीड माता यस यारे देखे तारे कहे कहा कृष्ण नामा कृष्ण नामे भासी भासा इला नवद नवद्वीपा ग्रामा हाँ, तो ये नवद गा के बोलो ना, जा रे मतलब यारे ये देखे बंगाली में य को ऐसे ज बोलते हैं, ओ जा रे जा रे देखे तारे देखे तार कहे कहा कृष्णा नाम, कृष्णा नामे कृष्ण भा, हाँ आप बोलो। कृष्ण नामे भासेला नवद्वीपा ग्रामा ग्रामा ग्राम 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 होता गांव, विलेज। ओके ठीक कृष्णा नामे भासाएला नवद्वीप ग्राम, ऐसे बोलना ठीक है। कृष्ण नामे तारे भसाइला नवद्वीपा ग्राम हाँ, तारे देखे तारे कहे कहा कृष्णा नाम, कृष्णा नामे भासाइला नवद्वीप ग्राम। या रे देखे तारे कहे कहा कृष्णा नाम कृष्ण नामे भसैला नवद्वीपा ग्राम। आई थिंक आई कैन नॉट प्रोनाउंस नवद्वीपा नवद्वीप, न नवद्वीप नाम से आते थे, अनदर नेम फॉर मायापुर नवद्वीप। नवद्वीप ओके नव क्या होता है? नाइन, द्वीप इज नाइन आइलैंड, सो यू नो दैट मायापुर इज और नवद्वीप इज बेसिकली नाइन आइलैंड। नाइन आइलैंड्स तो आप जाओगे आपको, आप देखोगे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे नौ आइलैंड है, नौ द्वीप है, नवद्वीप। ओके ट्रांसलेशन व्हेन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु वाज अ स्टूडेंट ही आस्क्ड हू एवर ही मेट टू चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र इन दिस वे ही इन ऑन द होल टाउन ऑफ नवद्वीप विद द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण पर्पट द प्रेजेंट नवद्वीप धाम इज बट अ पार्ट ऑफ होल ऑफ नवद्वीपा नवद्वीपा मीन्स नाइन आइलैंड्स दीज नाइन आइलैंड्स विच ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ लैंड एस्टिमेटेड एट 32 square miles are surrounded by different branches of the Ganges. In all nine of those islands of the Navdweep area, there are different places for cultivating devotional service. It is stated in Srimad Bhagavatam that there are Nav Vidya Bhakti, nine different activities of devotional service. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam. पाद There सेवा, are माता जी दिस वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द वर्स दैट प्रहलाद महाराज स्पोक टू हिरण्यकशिपु। तो जब ए के ऊपर डायक्रिटिक होते तो आ बोलते हैं ना, तो स्मरणम पाद हाँ सेवनम, पाद सेवनम ओके डिवोशनल सर्विस है ना, विद्या भक्ति है ना, ठीक हाँ है। तो ये There are different islands in Navdwip area for cultivation of these nine varieties of devotional service. They are as follows. Antardvipa, Simantadvipa, Godrumadvipa,
विपा, मध्या विपा, कुल विप पोलाद विपा, ऋतु विपा, जनु विपा, मोदा जमा विपा, सॉरी, एंड रुद्र विपा। अकॉर्डिंग टू द सेटलमेंट मैप, आवर इश्कॉन नवद्वीप सेंटर इज सिचुएटेड ऑन द रुद्र विपा आइलैंड मतलब ये बिलो रुद्र रुद्र द्वीप, द्वीप ये जो वर्ड है द्वीप, द्वीप। दिस ओके मीन्स आ नहीं द्वीप, बोलना है, द्वीपा नहीं बोलना, द्वीप। द्वीप जो है ओके आइलैंड, दिस मीन्स आइलैंड, ठीक है। द्वीप एज आइलैंड। जैसे कि मान लीजिए ये सब आइलैंड है ना, ये मॉरिशियस हो गया है ना, इंडोनेशिया, या ये हो गया, क्या है, आइलैंड्स हैं, तो द्वीप है ना, आइलैंड, ओके। तो ऐसे। सो फिर ये ऐसे होगा, अंतर द्वीप, हाँ, सीमंत सीमंत द्वीप, 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 सीमंत द्वीप, ओके। गो गो गोद्रुम द्रुम द्वीप, द्वीप, मध्या द्वीप, कोला द्वीप, ऋतु द्वीप, जानू द्वीप, 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 हाँ, डी वी या फिर मोन थोड़ा लो डबल ई हो मान लो, द्वीप, डी ओके। डी पे जोर देना, द्वीप। मोदा द्रमा द्वीप, रुद्रा द्वीप, हाँ, द्वीप, हाँ, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द सेटलमेंट मैप, आवर इश्कॉन नव द्वीप सेंटर इज सिचुएटेड ऑन रुद्रा द्वीप आइलैंड बिलो रुद्रा द्वीप इन अंतर द्वीप इज मायापुर। देयर श्री जगन्नाथ मिश्रा, द फादर ऑफ चैतन्य महाप्रभु, यूज टू रिसाइड इन ऑल दीज डिफरेंट आइलैंड्स। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एज अ यंग मैन यूज टू लीड हिज संकीर्तन पार्टी। ही डज इनऑन्डेटेड द एंटायर एरिया विद द वेव्स ऑफ लव ऑफ कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप तो जा रहे हो ना इस पर मायापुर? प्लान्स हैं पर आई डोंट नो, ओके अभी बीच में शादी निकल आई है तो पता नहीं। ओके, ठीक है। तो पूनम माता जी, आप गए हुए हो मायापुर? नहीं माता जी, मायापुर नहीं गए। अच्छा, तो यहाँ पे इसका ये बताया है कि जब महाप्रभु स्टूडेंट थे तो जिसको भी मिलते थे, जारे कहे तारे, जारे देखे तारे कहे, ये एक और फेमस वर्ड है, उसमें वो भी ऐसे ही शुरू होती है, जारे देखे तारे कहे। इसमें भी ऐसे ही है कि जो जो दिखे उसको बोलो कृष्ण नाम लेने को, कहा कृष्ण नाम, है ना। और इनंडेटेड का मतलब होता है कि सारे दुनिया में जैसे फैला देना है ना, स्प्रेड कर देना, वाइड स्प्रेड कर देना कोई चीज, या जैसे कि जैसे शावर होती है, रेन होती है, हर जगह बरसा देना इस तरीके से। तो इनंडेट का मतलब ये होता है कि पूरे में फैला देना किसी चीज को। तो उन्होंने इस तरीके से पूरा जो नवद्वीप था उसमें चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा को फैला दिया था महाप्रभु ने। फिर प्रभुपाद ने पर्पोज में सिर्फ नवद्वीप की ज्योग्राफी वगैरह और उसका ब्रेकडाउन बताया है कि नवद्वीप धाम, तो ये धाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे महाप्रभु अपीयर हुए और उनके बहुत सारे एसोसिएट्स अपीयर हुए। तो जब भी जहाँ पे भी भगवान आते हैं, वेर एवर ही चूजेस है ना आने के लिए, दैट प्लेस बिकम्स अ धाम, इसलिए है। और ये नवद्वीप क्यों है, क्योंकि ये 9 आइलैंड्स हैं जो 32 स्क्वायर माइल्स का एरिया है। और गेंज, क्योंकि जैसे द्वीप तो किसी रिवर या ओशन के बीच में ही हो सकता है ना, तो ये जो रिवर है जो इसको सेपरेट करती है, ये है इनके बीच में जो रिवर जा रही है, दैट इज गेंजेस, 6 आइलैंड के बीच में से। तो अगर माता जी आपको एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड जाना हो तो बोट लेके जाना होता है गंगा में। ओह वाह, तो जैसे कि हम लोग गए थे, तो जैसे अभी प्रभुपाद ने बताया ना कि अंतर द्वीप में मायापुर है, इन अंतर द्वीप इज मायापुर, है ना। हाँ और थोड़ा बहुत तो कुछ कनेक्शन होगा, लेकिन जैसे हम गए थे, हम गोद्रुमा द्वीप गए थे, गोद्रुमा द्वीप है जहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर का घर था, तो हम राइट भक्ति विनोद ठाकुर के घर गए थे। तो आपको बोट लेके जाना होगा ऐसे वहां पे। फिर सिमंत ओह द्वीप वाह, है जो सिमंतिनी देवी के नाम पे है, सिमंतिनी देवी इज नन अदर देन मदर पार्वती, ठीक है। ओके। इसकी भी पूरी कहानी है कि मदर पार सिमंत पता है आपको किसको कहते हैं?
माता नहीं काफी माता पता जी, हेवन तक एक मणि थी शायद। नहीं, सिंबल कहते हैं माता जी इसको, ये जो हमारी किसको? मांग होती है, सिंबल अच्छा नहीं पता। सिंबल ठीक है, इस को। तो एक बार मदर पार्वती को ने बहुत तपस्या की थी महाप्रभु को देखने के लिए, क्योंकि उनको शिव जी ने बताया था कि एक ऐसा रूप आएगा कृष्णा का जो राधा रानी का रूप, राधा रानी का भाव लेके आएंगे जब कृष्णा डिवोटी की फॉर्म में, सन्यासी की फॉर्म में, ठीक है। तो मदर पार्वती ने कहा कि मुझे भी वो रूप देखना है। तो उन्होंने काफी तपस्या की थी, और जब महाप्रभु आए थे तो उन्होंने, महाप्रभु ने उनको दर्शन दिए थे मदर पार्वती को, ये वो जगह है सीमंत द्वीप, वो जगह है। तो मदर पार्वती ने उनके चरणों की धूल लेकर अपनी मांग भरी थी, तो इसलिए ऐसे बोलते हैं कि ये सीमंत, ये इसलिए वो मदर पार्वती का रूप जिन्होंने एक तरह से महाप्रभु को हमारे हमारे सभी के लिए, इसमें कुछ गलत समझने की जरूरत नहीं है, हम सभी के लिए भगवान को ही पुरुष माना जाता है, भगवान ही हमारे मेंटेनर होते हैं। तो एक्चुअली या मांग तो भगवान के चरणों की धूल से या उनके नाम से ही भरी जाती है, क्योंकि भगवान ही जब टाइम आता है तो अपना हस्बैंड कुछ खास नहीं कर सकता, राइट। तो हमारे जो सबके पति हैं, चाहे वो हमारे पति हैं उनके पति या हमारे लेडीज के पति, राइट, हम सब तो पुरुष तो नकली होता है, राइट। देयर ऑल एवरीबॉडी इज फेमिनिन, द ओनली पुरुष इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सो ही इज द ओनली पति इन दिस वर्ल्ड। पति मतलब मेंटेनर, तो पति ही मान भरता है ना। तो मदर पार्वती ने भी इस भाव से कि यही मेरे मेंटेनर हैं, उनके चरणों की धूल से अपनी मांग भरी थी, और उस फॉर्म ऑफ मदर पार्वती को बोलते हैं सिमंतिनी देवी। तो ये उस जगह पे माता जी जी अभी इस्कॉन का एक टेंपल है जिसमें जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा की डीटीज हैं, बहुत ही सुंदर। टेंपल है और वाह बहुत ही बढ़िया डीटीज हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की डीटीज हैं, और ये जगन्नाथपुरी से ही आई हैं, ये वो डीटीज हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है उसकी भी। खैर वहाँ पे सिमंतिनी देवी रहती है, डीटी आपको दिखेगी वहाँ पे। हमने मे बी आई विल शेयर फोटोज, मैंने पिछली बार मायापुर पे लेक्चर किया था जब हम आए थे ना घूम के, तो हमने ये सब बातें की थी तब, तो ओके वहाँ पे सिमंतिनी, तो अगर ये सब बातें पता हो और फिर जाओ कोई मायापुर तो बहुत मजा आता है तो ये ये दोनों चीजें देखने अंतर्द्वीप में। द्वीप का आपने क्या कहा था? अंतरद्वीप मायापुर को, जो प्रेजेंट डे मायापुर है जिसको हम मायापुर बोलते हैं, उस वो अंतरद्वीप, वो सेंटर ऑफ द, वो है जहाँ पे महाप्रभु आए थे, अपीयर हुए थे, तो महाप्रभु का जो वो घर था वो वहां पर है। और तो बता रहे हैं कि जो हमारा इस्कॉन का मेन सेंटर है वो रुद्रद्वीप आइलैंड में। तो इस तरीके से हर एक की अपनी अपनी वो है, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो प्रभुपाद ने बोली है वो ये कि हर एक आइलैंड जो है, मैं आपको ये फोटो दिखाती हूँ, हर एक आइलैंड ऑफ नवद्वीप जो है वो एक नवदा भक्ति के एक लिंब को रिप्रेजेंट करता है, याद नवदा भक्ति है दोनों को। द 9 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, राइट? हाँ। मैंने लिखा था अभी आपने वर्ड्स के पढ़ी थी, ये श्रद्धा, वर्ड्स मैंने याद आप, कर लो। हाँ हाँ श्रद्धा नॉट अर्चनम नाइन, नहीं मतलब दैट इज नॉट 9 लिम्स, दैट इज 9 स्टेजेस। वंदनम अर्चनम, हाँ ओके अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चनम वंदम कीर्तम श्रवणम अर्चनम, किसको ये श्लोक आता है अच्छे से, तो नहीं आता मुझे, नहीं आता। इसको एक दो बार रिसाइट करते हैं, क्योंकि ये मेमोरी वर्ड्स है और ये सबको आनी चाहिए, क्योंकि हम ये यही हमारा प्रोसेस है, यही कर फॉलो करते हैं। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये 9 आइलैंड्स हैं। तो माता जी सारे आइलैंड पर जाते हैं क्या वहां जाने पर? नहीं, यहाँ पे हमारे जैसे कि डिपेंड करता है आप किस किस नहीं साथ जा रहे हैं, देखो ऐसे बोट में जा रहे हैं लोग गंगा में, वाह, ओ पर हमारी बोट ऐसी नहीं थी, हमारी बोट तो थोड़ी डिफरेंट टाइप की थी। ये देखो सीमंत द्वीप है, बहुत गंदी थी। जो ये है देखो अंतरद्वीप वो है जिसको मायापुर बोलते हैं। तो माता अच्छा जी आप देख रहे हो यहाँ पे योग पीठ लिखा है, योग हाँ पीठ इज द बर्थ प्लेस ऑफ महाप्रभु, तो उस जगह ओके हाँ उसमें तो हर कोई लेके जाएगा आपको, जब आप घूमने जाओगे योग पीठ जाओगे, ठीक है। तो ये अंतरद्वीप में आता है योग पीठ, और इस एरिया को, इसको बोलते हैं मायापुर।
जिसमें हम जाते हैं, मेनली हम जाते हैं, हम इस मायापुर के कैंपस में ही रहते हैं सब सारा टाइम। बीच में देखो ये दिख रही है कि आपको गंगा जी है, गंगा जी भागीरथी, हाँ भागीरथी की ट्रिब्यूटरीज हैं जो डिवाइड करें आइलैंड्स को। तो माता जी हम इसमें गए थे जलांगी में, दिस पर्टिकुलर ट्रिब्यूटरी या ब्रांच बोलते हैं गंगा की, इसको बोलते हैं जलांगी। इसमें कुछ यमुना जी का पानी मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको एक जगह पे पूरी डिस्टिंक्शन दिखाई देती है कि गंगा और जमुना की डिस्टिंक्शन, कि जमुना काली और गंगा सफेद, सफेद मतलब क्लियर। तो जलांगी वो गंगा है जो जमुना के साथ मिक्स होके आती है, मिक्स होती है। तो ये देख रहे हो आप, ये गोद्रुमा, तो हम इस गोद्रुमा में गए थे और हम एक दो जगह और भी गए थे। बट ये जो द्वीप हैं ये सारे, ये एक एक 9 लिम्ब ऑफ डिवोशनल सर्विस को डिपिक्ट करता है। जैसे कि तो क्या होते हैं 9 लिम्ब, ये वर्ड्स याद होनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा था कि तुमने स्कूल में क्या सीखा, तो उसने बोला कि मैंने तो ये सीखा कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान ही सबसे सुपीरियर है। उसके बाद वो बोलते हैं इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणा क्रिये भगवते अद्धा तन्मन्नेधितमुत्तमम्। यही सबसे बेस्ट एजुकेशन है कि तन मन से भगवान की भक्ति की जाए। और ये 9 लक्षण, ये 9 लिम्स हैं डिवोशनल सर्विस की, जो हर हर व्यक्ति को बचपन से करनी चाहिए। तो ये 7.5.23 और 7.5.24, ये 2 वर्सेस होती है इम्पोर्टेंट, तो आप ये याद कर लेना। श्रवणम कीर्तम विष्णु, आप कैसे, ट्यून कैसे था? श्रवणम श्रवणम कीर्तनम कीर्तनम विष्णु विष्णु स्मरणम पाद सेवनम सेवनम अर्चनम वंदनम अर्चनम दास्यम वंदनम दास्यम साख्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम। इसमें कोई और वर्ड नहीं है, इसमें से भाई एक जगह विष्णु लिखा है, बट विष्णु मीन विष्णु स्मरणम, एक तरह से ऐसे कंटिन्यूअस है इसलिए। इसमें सिर्फ 9 बस वही वर्ड्स हैं जो हमें याद करने हैं ना, देखो श्रवणम हो गया, कीर्तन हो गया, विष्णु विष्णु स्मरणम हो गया, स्मरण पाद पादसेवनम 4, सेवनम अर्चनम पांच, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम। आत्मनिवेदनम। अब इसमें जाओ तो आपको देखोगे कि हर एक का एक एक है। ये श्रवणम को रिप्रेजेंट करता है, ये कीर्तनम को, ये स्मरणम को, ये अर्चनम को, ये वंदनम ओ को, या ये साख्यम है, ये पाद सेवनम है, और जो मायापुर है जहाँ पे महाप्रभु पैदा हुए, दैट इज आत्मनिवेदनम। इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किस बेसिस पे है ये डिवीजन, बट ऐसे बोलते हैं कि ईच आइलैंड रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट लिम्ब ऑफ डिवोशन सर्विस। तो यहाँ पर आए थे महाप्रभु अपनी संकीर्तन पार्टी करते थे। माँ चैतन्य महाप्रभु एज ए यंग मैन यूज टू लीड संकीर्तन पार्टी। तो ठीक है आगे चले। और उनका फादर ओके कौन है, फादर मदर का नाम पता होना चाहिए, जगन्नाथ मिश्रा, और मदर का नाम शची, शची माता, शची नंदन गौर हरी। गौर हरी हमने पढ़ा था पिछली बार याद है, कि लेडीज ने अपने हाँ गौर हरी नाम रखा था उनका, और शची नंदन, तो वो लेडीज ने देखा कि हरी हरी बोलने पर ही चुप होता है, उसका उनका नाम गौर हरी रखा था। चलिए कोई और पढ़ेगा, चलिए पूनम माता। कोशिश करते हैं। किशोरावया से आरंभ दिला संकीर्तना, रात्रा दिने प्रेमे नत्या संगे भक्तगणा। जस्ट प्रायर क्या बोलेंगे इसको, प्रायर प्रायर ऑफ दिस यंग यूथफुल लाइफ ही बिकेम द संकीर्तना मूवमेंट डे एंड नाइट। ही यूज टू डांस इन एक्सटेसी एक्सटेसी विथ हिज डिवोटी। याद है, आपने उस दिन मीनिंग पूछा था एक्सटेसी, हाँ ये वो हाँ है। हाँ हाँ एक और पढ़ लेना चाहिए इसमें परपोट, इस नेक्स्ट वाले में। नागरे नागरे नामे कीर्तन कराया, भाषाए लत्री भुवना प्रेमा भक्ति दिया। द संकीर्तन मूवमेंट वेंट ऑन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द टाउन टू अनदर एज द लॉर्ड वंडर्ड एवरीवेयर परफॉर्मिंग कीर्तना।
इन दिस वे ही इनोडेटेड इन अनडेटेड द होल वर्ल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग लव ऑफ गॉड हेड। ये भी पढ़ दो, मतलब सपोर्ट। मतलब ये मोबाइल में बहुत छोटा छोटा दिखता है। ओके अच्छा, ठीक है। आपको पढ़ना रेखा माता जी? ओके आई कैन। वन मे रेज द क्वेश्चन हाउ ऑल थ्री वर्ड्स बिकेम इन अनडेटेड विद लव ऑफ कृष्णा सिंस चैतन्य महाप्रभु परफॉर्म्ड। वन सेकेंड। सिंस चैतन्य, आई लॉस्ट इट। सिंस चैतन्य महाप्रभु परफॉर्म कीर्तन ओनली इन नवद्वीप एरिया। द आंसर इज द आंसर इज दैट लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ। क्या वो बड़ा करूं? ठीक मेरा फोन पता नहीं फनी हो रहा है। द एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन रिजल्ट फ्रॉम लॉर्ड्स फर्स्ट सेटिंग इट इन मोशन। सिमिलरली सिंस द सन कीर्तन मोमेंट वॉज फर्स्ट सेट इन मोशन 500 years अगो बाय श्री चैतन्य महाप्रभुज डिजायर दैट इट स्प्रेड ऑल ओवर द यूनिवर्स द कृष्ण ऑल ओवर द यूनिवर्स द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ दैट सेम मोशन इज नाउ स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन दिस वे इट विल ग्रेजुअली स्प्रेड ऑल ओवर द यूनिवर्स विद द स्प्रेड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट एवरी वन विल मर्ज इन एन ओशन ऑफ लव ऑफ कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इसमें पहले बताया कि किशोर अवस्था भी पौगंड में है ना? पौगंड याद है, 6 से 10 साल की उम्र। बाल होता है 5 साल, बाल या कुमार अवस्था इज लाइक 5 इयर्स तक, 6 से 10 साल इज पौगंड। तो अभी किशोर अवस्था शुरू नहीं हुई है, तो किशोर से पहले उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट शुरू कर दी थी, मतलब इवन बिफोर 10 इयर्स ऑफ एज। एंड डे एंड नाइट ही यूज्ड टू डांस इन एक्सटेसी विद हिज डिवोटीज, तो नाचते थे एक्सटेसी में। रात्रि दिने प्रेमे नृत्य संगे भक्त गना। और ये इस तरीके से संकीर्तन मूवमेंट शुरू हुई, नगर नगर भ्रम में कीर्तना करिया, ठीक है, सारे इधर उधर घूम के कीर्तन करते थे। और इस तरीके से सारी दुनिया को उन्होंने प्रेम भक्ति दिया। त्रिभुवना, थ्री थ्री वर्ल्ड, थ्री वर्ल्ड बोलते हैं ना, अपर मिडल एंड लोअर प्लैनेट, तो तीनों थ्री वर्ल्ड को सारी ने प्रेम भक्ति दिया। तो प्रभुपाद ने इस बात पे फोकस किया है कि अगर उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट नवद्वीप के डिफरेंट पार्ट्स में शुरू की तो सारी दुनिया को कैसे मिली, सिर्फ नवद्वीप में ही रही ना वो। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पूरी दुनिया में फैल गई वो? तो इसके बारे में प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जब उन्होंने अपनी संकीर्तन मूवमेंट शुरू कर दी, लॉर्ड ने उसको मोशन में डाला है ना, उसको शुरू कर दिया 500 साल पहले। अब उनकी डिजायर है कि वो सारी दुनिया में फैले। याद है मुझे बोल रहे थे, पृथ्वी ते आचे यदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है बे मोरा नाम, कि उनकी ये इच्छा है कि सारे दुनिया में मेरा नाम प्रचार होगा, तो ये संकीर्तन मूवमेंट सारी दुनिया में फैलेगी। और महाप्रभु तो भगवान है, तो अगर ये उनकी इच्छा है तो ये सारी दुनिया में फैलेगी ही फैलेगी, और फैल रही है एज वी कैन सी। इसलिए इसके बारे में ऐसा बोलते हैं, रियली लाइक दिस पॉइंट अलॉट, थिंक अबाउट इट, थोड़ा डीपली सोचिए। हम लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं ना कि हम भगवान की लीलाएं पढ़ रहे हैं, है ना, भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नॉट ओनली हम भगवान की लीलाएं पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, हम एक्चुअली भगवान की लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भगवान की लीला अपने सामने अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की लीला भगवान के जाने के साथ खत्म हो गई, भगवान की लीला चलती जा रही है और आप लोग, हम लोग, हम सब इस भगवान की लीला का पार्ट हैं। हम जैसे ये, जैसे उस समय महाप्रभु डांस करते थे डिवोटीज के साथ नगर में, जगह जगह नाम फैलाते थे, हम लोग भी वही कर रहे हैं। तो हम जो कर रहे हैं वो भगवान की लीला में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
हम भगवान की लीला को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लीला खत्म हो गई है और हम सिर्फ उसके बारे में सुन रहे हैं। नहीं, वी आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द पास्ट टाइम इन द लीला ऑफ कृष्णा, इन द लीला ऑफ महाप्रभु। तो ये भगवान की रास लीला, ये डांसिंग, ये चल रही है और हम उसमें डांस कर रहे हैं टू द ट्यून्स ऑफ कृष्णा। सो इट्स नॉट कि खत्म हो गया है। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आप भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको चुना गया है, आपको एक रोल मिला है, तो आपको वो रोल बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से निभाना है, लाइक अ प्रॉपर सर्वेंट। सोचो उस तरीके, उस टाइम के लोग कैसे, गोपियां कैसे भाग भाग के जाते थे भगवान से मिलने। और आप दोनों का मूड तो ऐसा ही है, आप लोग तो मेम्फिस से जैक्सन तक भाग भाग के आते हो, है ना? तो हमने देखा, हम वंशी प्रभु का मजाक उड़ाते हैं कि कैसे वो गोपी की तरह भाग के आते हैं। तो ये भगवान की लीलाएं ही चल रही हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो जो भागवतम में थी वो लीला है और हम लोग तो बस कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं, हम कुछ ऐसे नहीं कर रहे, हम भगवान की लीला में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माता जी का पूनम, माता जी बहुत इंस्पायर करती है। थैंक्स टू हर, आप थैंक यू माता जी। मुझे बहुत इंस्पायर करते माता जी उस हैं। टाइम पे भी गोपीज एक दूसरे को इंस्पायर करके ही जाते थे अपने, नहीं तो अपने पति को घर पे छोड़ के रात में भाग के वो कृष्ण से मिलने कैसे जाते थे। वो तो हाँ है माता जी, आपने, थैंक यू माता जी, आपने एक नया नजरिया दिया ये सब देखने के लिए। सही बात है, हम ऐसे देखते ही नहीं है ना इसीलिए देखते देखो, डिवोटीज हमेशा से बोलते हैं कि पार्टिसिपेट इन संकीर्तन मूवमेंट ऑफ महाप्रभु, ऐसे बोलते हैं ना हम हमेशा। इसका मतलब हाँ। क्या है कि ये आज भी ये लीला चल रही है। आप चैतन्य चरितमृत खत्म नहीं हुई, आप चैतन्य चरितमृत का अगला अध्याय, अगला चैप्टर आप लिख रहे हो, तो आपका नाम हिस्ट्री में जा रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो बस कुछ ऐसे ही कर रहे हैं बस, नहीं, आप लोग इतिहास बना रहे हो। तो इतिहास प्रभुपाद के साथ खत्म नहीं हो गया, या फिर महाप्रभु के जाने से खत्म नहीं हो गया, वो बनता जा रहा है। और जो भी भगवान की काम कर रहा है वो भगवान की लीला में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भगवान का एक सोल्जर है, वो भगवान का सर्वेंट है, ठीक है ना? वो गोपी की जैसे ही प्रिय है भगवान को, जैसे हनुमान प्रिय है और स्कुरल प्रिय है ना, गिलहरी और हनुमान का मोल सेम है, जैसे हमारा और हमारा महत्व भी भगवान को बहुत ज्यादा है, बहुत जरूरत भी है भगवान को, क्योंकि ये महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन थी कि सारे दुनिया में मेरा नाम फैले, और हम वो कर रहे हैं। तो आप कितने प्रिय हुए भगवान को, ये ऑलवेज रिमेम्बर दैट। हरे कृष्णा शीतल माता जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। माता जी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, हमने 3-4 वर्सेस भी पढ़ी हैं, क्योंकि थोड़ा दे हैव परपोच टुडे, पहले परपोच नहीं था, परपोच है। तो अभी हमने देखो ये पढ़ा था कि 9 आइलैंड्स ऑफ नवद्वीप कौन है, ईच आइलैंड रिप्रेजेंट करता है वन लिंब ऑफ डिवोशनल सर्विस को, और चैतन्य महाप्रभु ने अपने किशोर अवस्था में ही संकीर्तन मूवमेंट को स्प्रेड करना शुरू कर दिया था सारी दुनिया में। रहते कि महाप्रभु की लीलाएं चल रही हैं अभी तक और हम उस लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वी शुड नॉट टेक इट चीपली दिस अपॉर्चुनिटी वी हैव बीन गिवन। इसलिए ऐसे बोलते हैं ना कि कई बार जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पीपल ब्लेम, व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स नॉकिंग एट द डोर, पीपल ब्लेम द देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज डोर। तो समझने लगते हैं कि ओ हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्रोग्राम करने की, या हरी नाम करने की, या प्रसाद बनाने की, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की, तो ये कई बार हमें भार लगने लगता है, वी स्टार्ट कंप्लेनिंग कि क्या इतना कुछ करना पड़ रहा है। सो वी आर लाइक दोज पीपल हु कंप्लेन अबाउट द नॉइज व्हेन द अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर। वी शुड नो दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन महाप्रभुज नेक्स्ट चैप्टर ऑफ गौर लीला। This is the next अध्याय, next chapter of Gaur Leela that we are participating in. चलिए आगे पढ़ते हैं। पढ़ेंगे आप? Are you free to read or if you're driving somebody else can? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा डिवोटीज, आई कैन रीड माता जी। Yes ma'am. टेक्स्ट 33, Yes. ओके। 26 वत्सरा आयचे नवद्वीप ग्रामे, लाहो येला सर्व लोके कृष्ण प्रेम नामे। ट्रांसलेशन:
लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु लिव्ड इन द नवद्वीप एरिया फॉर 24 ईयर्स एंड ही इंड्यूस्ड एवरी पर्सन टू चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र एंड दस मर्ज इन लव ऑफ कृष्ण। 24 इट इज नॉट 26। टेक्स्ट 34। 24 वत्सरा चीला करिया संन्यासा भक्त गणा लाना कैला नीलाचल वासा। ट्रांसलेशन: फॉर हिज रिमेनिंग 24 ईयर्स श्री चैतन्य महाप्रभु आफ्टर एक्सेप्टिंग द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ स्टेड एट जगन्नाथ पुरी विथ हिज डिवोटीज। टेक्स्ट 35। तारा मध्ये नीलाचले छाया वत्सरा नृत्य गीता प्रेमा भक्ति दाना निरंतरा। ट्रांसलेशन: फॉर 6 ऑफ दिस 24 ईयर्स इन नीलाचल जगन्नाथ पुरी ही डिस्ट्रीब्यूटेड लव ऑफ गॉड हेड बाय ऑलवेज चैंटिंग एंड डांसिंग। टेक्स्ट 36। सेतु बंदा आरा गौड़ा व्यापी वृंदावना प्रेम नामा प्रचारिया करीले ब्राह्मणा। ट्रांसलेशन: बिगिनिंग फ्रॉम केप कोमोरिन एंड एक्सटेंडिंग थ्रू बंगाल टू वृंदावन ड्यूरिंग दीज 6 ईयर्स ही टूर्ड ऑल ऑफ इंडिया चैंटिंग डांसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग लव ऑफ कृष्णा। हरि बोल। तो लास्ट फ्यू वर्सेस माता जी रेड इज डिस्क्राइबिंग ब्रीफली द टाइम लाइन ऑफ महाप्रभु की। पहले वो 24 साल नवद्वीप में रहे और उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट शुरू की थी, हरे कृष्णा महामंत्र स्प्रेड किया नवद्वीप में। फिर बाकी के 24 साल उन्होंने उस टाइम फिर उन्होंने 24 ईयर्स की एज पे संन्यास ले लिया था और फिर वो जगन्नाथपुरी चले गए। उस 24 ईयर जो उनके सेकेंड हाफ हैं उसमें से 6 ईयर्स जो थे उसमें ही डिस्ट्रीब्यूटेड लव ऑफ गॉड हेड बाय ऑलवेज चैंटिंग एंड डांसिंग। कैसे किया उन्होंने ये? ही वाज ट्रैवलिंग इन दो 6 ईयर्स ही ट्रैवल्ड फ्रॉम केप कोमरन हो गया बिल्कुल नीचे से, मतलब ये हो गया जैसे कन्याकुमारी से ऊपर तक बंगाल एंड देन वृंदावन। तो पूरा यू नो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया ही ट्रैवल्ड, ही टूर्ड ऑल ओवर इंडिया और सब जगह पे उन्होंने हरि नाम डिस्ट्रीब्यूट किया, चैंटिंग डांसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग लव ऑफ कृष्णा। तो ये तो बस टाइमलाइन बताई गई है इसमें। ओके आई कैन रीड कपल। हे मध्या लीला नामा लीला मुख्य धामा शेषा अष्टादशा वर्षा अंत्यलीला नाम। द एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इन हिज ट्रैवल्स आफ्टर ही एक्सेप्टेड संन्यास आर हिज प्रिंसिपल पास टाइम। हिज एक्टिविटीज ड्यूरिंग हिज रिमेनिंग 18 ईयर्स आर कॉल्ड द अंत्यलीला और द फाइनल पोर्शन ऑफ हिज पास टाइम। तारा मध्ये छाया वत्सरा भक्त गण संगे प्रेमा भक्ति लयो आइला नृत्या गीता रंगे। For 6 of the 18 years, he continuously stayed in Jagannath Puri. He regularly performed kirtan, inducing all devotees to love Krishna simply by chanting and dancing. Okay, अच्छा ये तो लंबा है। तो ये इसमें ये लिखा है कि जो 24 ईयर्स थे लास्ट के आफ्टर संन्यास, उन्होंने बहुत ट्रैवल किया सारे इंडिया में और हरि नाम स्प्रेड किया इन द 6 ईयर्स, फर्स्ट 6 ईयर्स आफ्टर हिज संन्यास, और उसको बोलते हैं मध्य लीला। तो मध्य लीला नाम दिया है उस पोर्शन ऑफ द बुक को कृष्णदास कविराज ने। और वो उनकी मुख्य पास टाइम थे, प्रिंसिपल पास टाइम, उसमें उस आफ्टर संन्यास हुए थे सारे प्रिंसिपल पास टाइम। और उसके बाद जो बाकी के 18 ईयर्स बचे, 6 ईयर्स तो ट्रैवलिंग में हो गए है ना, 18 ईयर्स जो बचे दैट इज कॉल्ड द अंत्य लीला, दैट इज द फाइनल पोर्शन ऑफ हिज पास टाइम। फिर बताया है कि वो जो 18 ईयर्स थे लास्ट के उसमें से भी 6 ईयर्स वो बिल्कुल कंटिन्यूसली जगन्नाथपुरी में ही रहे और कीर्तन करते थे एंड चैंटिंग डांसिंग करते थे। उसके बाद आगे बाकी के देखते हैं, बाकी के जो लास्ट 12 ईयर्स आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि दोज वर वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स ऑफ महाप्रभु, जिसमें वो बस अपने कमरे में ही रहते थे
और कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि वो वहां से गुम हो जाते थे, भाग जाते थे, तो डिवोटीज उनको ढूंढते थे, और ढूंढते थे तो वो कभी गंगा जी के पास मिलते थे, थिंकिंग दैट दिस इज ना गंगा जी सॉरी ओशन के पास खड़े मिलते थे कि थिंकिंग दिस इज यमुना। कई बार वो जगन्नाथ जी के ओल्टा के पास खड़े मिलते थे, कई बार वो इधर उधर चातक पर्वत पे मिलते थे। तो इस तरीके से ही वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट लाइक इन द लास्ट 12 years, वेरी वेरी इंटीमेट, वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स, एंड नॉट इवन हिज डिसाइपल्स हैड मच एक्सेस टू हिम, ओनली वेरी फ्यू इंटीमेट एसोसिएट्स हैड एक्सेस टू हिम दैट टाइम। तो उस टाइम गंभीरा में ही रहते थे मोस्टली। ये वाला पढ़ें या फिर स्टॉप करें, क्योंकि 2 o'clock तो हो चुका है। डू यू वांट टू रीड 5 more minutes? वी कैन रीड, ओके, एटलीस्ट लेट्स रीड टिल 40, ताकि कर ठीक सकते है, हैं। और माता जी ने भी लेट ज्वाइन किया, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोई पढ़ेगा ये वाला, इसमें पर्पोट भी है। मैं ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन मुझे गाना नहीं आता, बट ट्राई करती हूँ। हाँ ट्राई करो। वदशा वत्सारा शेष रही ना नीला चले, प्रेम वस्ता सिखाइला अश्वदाना चले। अरे अरे बोल, बहुत अच्छे से किया आपने बताया, वंडरफुल। ट्रांसलेशन: फॉर द रिमेनिंग 12 years ही स्टेड इन जगन्नाथ पुरी। He taught everyone how to taste the transcendental mellow ecstasy of love of Krishna by tasting it himself. Purport: A person who's advanced in Krishna consciousness always feels separation from Krishna because such a feeling of separation excels the feeling of meeting Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu, in his last 12 years of existence within this world at Jagannath Puri, taught the people of world how, with the feeling of separation, one can develop his dormant love for Krishna. Such feelings of separation or meeting with Krishna are different stages of love of Godhead. These feelings develop in time when a person seriously engages in devotional service. The highest stage is called Prema Bhakti, but this stage is attained by executing Sadhana Bhakti. One should not try to elevate himself artificially to the stage of Prema Bhakti without seriously following the regulative principles of Sadhana Bhakti. Prema Bhakti is the stage of relishing, whereas Sadhana Bhakti is the stage of improving in devotional service. Sri Chaitanya Mahaprabhu taught this cult of devotional service in full detail by practical application in his own life. It is said, therefore, Apani Achari Bhakti Sikhaimo Sabare. Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. And in the role of Krishna Bhakta, a devotee of Krishna, he instructed the entire world how one can execute devotional service and thus go back home, back to Godhead in due course of time. Hari Bol. तो इसमें वही बताया कि जो लास्ट के 12 years थे वो जगन्नाथपुरी में रहे, और बिल्कुल वो प्रेम में थे उस टाइम, सेपरेशन में, विप्रलम्ब भाव में, एंड ही टेस्टिंग द सेपरेशन, ही फीलिंग इंटेंस, बिल्कुल राधा रानी का जो राधा भाव बहुत हाईएस्ट मूड था। ही वाज ऑलमोस्ट लाइक अ मैड मैन बाय दैट टाइम, ऑलमोस्ट लाइक डिसफंक्शनल। तो इसलिए काफी डिफिकल्ट है हमारे लिए वो समझना। और ये प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप पहले साधना भक्ति का प्रोसेस एग्जीक्यूट करोगे तो धीरे धीरे आप एडवांस करोगे, सीरियसली सीरियस होंगे, मेच्योर होंगे, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका टेस्ट, आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी, और दुनिया से छूटेगा मोह, तो आपको हाईएस्ट स्टेज पे जाके ये प्रेम भक्ति समझ आएगी, जो जिसके सिम्टम्स महाप्रभु डिपिक्ट कर रहे थे।
एंड आई थिंक यू रिमेम्बर वी टॉक्ड अबाउट दिस जब हम शिक्षा अष्टकम पे डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उनकी बॉडी में अष्ट विकार अष्ट सात्विक विकार होते थे, लाइक समटाइम्स ही वुड जंप एंड गूज बम्प विल कम एंड हरी हरी बोली ते नयन पावे नीरा, राइट, द वाटर विल फ्लो डाउन फ्रॉम हिज आईज, स्लो नॉट वाटर विल डाउन, फ्लो डाउन बट लाइक सिरिंज जैसे होता है ना, तो पानी से निकलता है हाँ जैसे सिरिंज की तरह निकलता था पानी, और परस्पिरेशन होना, इस तरीके के बहुत सारे उनमें वो सिम्टम्स आते थे। इनफैक्ट ऐसा बताया जाता है कि महाप्रभु पहले इतने लंबे थे, बहुत लंबे थे वो, लाइक 7 फीट समथिंग, ठीक है, फिर ऊपर से उनके जॉइंट लंबे हो जाते थे व्हेन ही यूज्ड टू गो इन दिस अष्ट सात्विक विकार, उनकी हाइट और बड़ी हो जाती थी, और लंबे हो जाते थे उनके जॉइंट्स, उनके बोन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना जॉइंट्स, वो से सेपरेट हो जाते थे, लंबे हो जाते थे। वाह, दिस इज ऑल्सो डिस्क्राइब, इसका वर्स भी आती है, इसका एक पिक्चर भी थी मेरे पास कहीं पे, आई डोंट नो भी, लेकिन ऐसे डिस्क्राइब है। बट एनीवे, सो बट द थिंग इज कि प्रेम भक्ति नहीं आएगी विदाउट सीरियसली फॉलोइंग द रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ साधना भक्ति। तो इसलिए प्रोपर ने तो हमें, क्योंकि हमारे लिए बता रहे हैं ना, हमारे लिए बात कर रहे हैं, तो हम हमें साधना भक्ति पे ही फोकस करने को बोल रहे हैं बार बार, कि आप पढ़ो महाप्रभु की लीला है, लेकिन आप उसको इमिटेट मत करो, आर्टिफिशियली एलिवेट मत करो, ये लिखा है, वन शुड नॉट ट्राई टू एलिवेट हिमसेल्फ आर्टिफिशियली। आपको पता होना चाहिए हर किसी को अपना की क्या रियलिटी है, क्या लिमिटेशंस है, और अपने लेवल पे कहाँ पे प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाट वी शुड वर्क ऑन एंड जस्ट इम्प्रूव इन डिवोशनल सर्विस ना, धीरे धीरे तो डिसिप्लिन बेसिकली से। साधना भक्ति तो वही चैंटिंग वगैरह हुआ, राइट? चैंटिंग, रीडिंग भागवतम, राइट? हाँ, मतलब जब ये स्टेजेस की थी ना, तो फर्स्ट जो 7 स्टेजेस होती है 9 में से, दे आर साधना भक्ति, मतलब जिसमें डिसिप्लिन करके व्यक्ति करता है, ठीक है, ओके तो हम तो डिसिप्लिनरी प्रोसेस ही फॉलो करते हैं, रेगुलेटेड प्रोसेस बोलते हैं जिसको। हाँ और प्रेम भक्ति या भाव भक्ति होती है जब स्पॉन्टेनियसली भगवान के लिए प्रेम हो जाता है, आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता, अभी तो हमें फोर्स करना पड़ता है उठने के लिए, चैंटिंग करने के लिए, कितनी माला रह गई फिनिश करो, फिनिश नहीं होता प्रेम भक्ति में, तो व्यक्ति चैंट करता ही जाता है, राइट, भगवान का नाम है, हाँ उससे इतनी अटैचमेंट, इतना प्रेम है कि वो सेपरेशन फील होती है अगर वो चैन नहीं करेगा। हम तो फोर्स करके करते हैं, हम तो खत्म करने के लिए करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। और हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो हमें बहुत डिसिप्लिन होके रहना होता है, क्योंकि हमारी भी बहुत लिमिटेशन, बहुत कंटेमिनेशन है जिनको हम प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साधना भक्ति करते रहो अच्छे से, प्रभुपाद ने बताया। उसके बाद उन्होंने बताया है कि लेकिन महाप्रभु इज इन द रोल ऑफ कृष्ण भक्ता एंड ही इज इन द रोल ऑफ हाईएस्ट टॉप मोस्ट कृष्ण भक्ता, नॉट कोई जस्ट ऐसा वैसा, राधा रानी इज इन द मोड ऑफ राधा रानी, राधा रानी इज द टॉप मोस्ट भक्ता। तो इसीलिए वो लास्ट में उन्होंने, मतलब उन्होंने शुरू के भी स्टेजेस दिखाए जब वो सिर्फ ज्ञान मार्ग पे ही थे, राइट, तब उनको सिर्फ हाँ आर्ग्यूमेंट लॉजिक डिबेट में इंटरेस्ट था, है ना, भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था, तो डिवोटीज एक्चुअली उनसे दूर रहते थे, ये डिवोटी नहीं है अभी, जब नहीं है तो उससे थोड़ा दूर रहते थे शुरू में, लेकिन फिर संकीर्तन मूवमेंट शुरू की और फिर उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया, और फिर प्रॉपर उन्होंने इनिशिएशन ली, है ना, फिर संन्यास लिया, और फिर अपना पूरा काम संकीर्तन मूवमेंट स्प्रेड कर दी, एस्टैब्लिश कर दी, डिसाइपल्स को सब इंस्ट्रक्शंस दे दी, सब टीचिंग्स दे दी, उसके बाद फाइनली इन द एंड ही डिड व्हाट ही हैड कम फॉर हिज, उनका जो इंटरनल रीजन, यार इंटरनल एक्सटर्नल रीजन बता रहे थे मेरे प्रभु उस दिन, तो हाँ ये सब तो एक्सटर्नल चीजें कर ली उन्होंने कि दुनिया के लिए जो करने आए थे, एक्सटर्नल होता है जो दुनिया के लिए किया उन्होंने, करने आए थे धर्म, युग धर्म एस्टैब्लिश करने, बाहर लोगों के लिए क्या किया, और इंटरनल रीजन होता है उनका अपना पर्सनल भी कुछ रीजन था आने का, पर्सनल एजेंडा भी था, पर्सनल रीजन था राधा भाव फील करना, कि राधा रानी को क्या फील होता है, राधा रानी को क्या आनंद मिलता है, क्या देखती है मुझ में वो, और क्या हैप्पीनेस मिलती है, 3 रीजन होता है ना इंटरनल, को क्या आनंद मिलता है उसको, उसका प्रेम का क्या, प्रेम कैसा है, उसका भाव कैसा है, और मुझ में उसको क्या दिखाई देता है, सो दैट्स व्हाट ही हैड कम टू रियली टेस्ट, सो इन द लास्ट 12 इयर्स दैट्स ऑल ही इज डूइंग कंप्लीटली इन राधा भाव, सो दैट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, बट दिस इज द लास्ट जो है 12 साल, दैट इज लाइक द जो इंटरनल रीजन है वो फुलफिल कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल इंटरनल रीजन क्लियर हो गए थे, राइट, उस दिन जब बता के हाँ वो बाहर तो हो गए थे। हाँ
बाहर लोगों के लिए क्या कर रहे हैं और इंटरनल अपना उनको अपनी भी कुछ डिजायर थी जो फुलफिल करनी थी। इसमें कोई एनी क्वेश्चन कमेंट पूनम माता जी से माता जी रखना कुछ भी बोलना या पूछना। एक दो ये पढ़ना एक दो और ये छोड़े ये तो बिल्कुल वही है जो ट्रांसलेशन रात्रि देवसे कृष्णा विरह पुराणा उन्मा देरा चेष्टा करे प्रला पावा चाना डे नाइट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु फेल सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा मैनिफेस्टिंग सिम्टम्स ऑफ दिस सेपरेशन ही क्राइड एंड टॉक्ड वेरी इनकंसिस्टेंटली लाइक अ मैडमैन। तो ये आ गया ना कि बिल्कुल मैडमैन टाइप हो गया था बाद में। अभी ये पढ़ना है इससे आपको राधा भाव समझ आएगा थोड़ा। इसमें राधा रानी का भाव बताया है किसको पढ़ना है। आप पढ़ेंगे पूनम माता जी आपको पढ़ना। यस माता जी, कर सकते हैं। श्री राधा प्रलापाय चे उद्धवा दर्शने सेमिता उन्मादे प्रलापा करे रात्रि देने। ट्रांसलेशन: ए श्रीमती राधा रानी टॉक्ड इनकॉन्स्टेंटली व्हेन शी मेट उद्धव, सो ऑल्सो श्री चैतन्य महाप्रभु रियलाइज बोथ डे एंड नाइट सच एस्टेटिक टॉक इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी। पर इन दिस कनेक्शन वन शुड रेफर टू श्रीमती राधा रानी सोलियो क्यूई आफ्टर मीटिंग उद्धव इन वृंदावना। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेजेंटेड अ सिमिलर पिक्चर ऑफ सच एस्थेटिक इमेजिनरी टॉकिंग फुल ऑफ जेलसी एंड मैडनेस सिम्टोमाइजिंग नेगलेक्ट बाय कृष्णा श्रीमती राधा रानी क्रिटिसाइजिंग अ बंबल बी टॉक्ड जस्ट लाइक अ मैड वुमेन। श्री चैतन्य महाप्रभु इन द लास्ट डेज ऑफ हिज पास्ट टाइम एग्जिबिटेड ऑल द सिम्टम्स ऑफ सच एस्टेसी। इन दिस कनेक्शन वन शुड रेफर टू द फोर्थ चैप्टर ऑफ द आदि लीला वर्स 107 एंड 108। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखा आपने राधा भाव कि जैसे राधा रानी जब उद्धव जी आए थे तो उनसे इनकंसिस्टेंटली मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा ना महाप्रभु भी इनकंसिस्टेंटली बात करते थे। इनकंसिस्टेंटली मतलब कि जैसे कुछ सेंस नहीं बन रहे क्या बोल रहे हैं ऐसा कुछ मतलब इसका यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है बात में मतलब कि कुछ भी बोल रहे हैं हम जब उद्धव जी से मिले थे। और तो इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु भी इस तरीके से एक्सटैटिक टॉक में है श्रीमती राधा रानी की तरह इमेजिनरी टॉकिंग कर रहे हैं। इमेजिनरी मतलब अपना ही लग रहे हैं सोलिलॉक्वी कोई होता है कि जैसे अपना बोलते रहना ऐसे बोलते जैसे कोई प्ले या ड्रामा करते हैं ना इसमें कई बार लोग जो एक्टर होता है कैरेक्टर होता है वो कुछ बोलता है जस्ट मोनोलॉग मतलब इट्स नॉट अ डायलॉग किसी से बोल नहीं रहा वो अपना ही बोल रहा अपने विचार बोल रहा है। जैसे कि मैं ऐसे बोलूं पता नहीं ये कहाँ चले गए अभी तक आए नहीं वापस आई होप सब ठीक हो ऐसे से हम कई बार ऐसे अपने आप से बातें करते हैं ना क्या करूँ समझ नहीं आ रहा कॉल करके देखूँ बहुत देर हो गई मैंने बोला था कि मुझे कॉल कर लेना फिर भी नहीं किया ऐसे हम ऐसे से कई बार अपने आप से बातें नहीं करते। तो इस तरीके से वो अपने आप से बातें कर रहे हैं महाप्रभु जैसे राधा रानी करती थी एक्सटैटिक और एक्सटैटिक मूड में बहुत ज्यादा। और उनको भी ऐसे ही फील हो रहा है जो राधा रानी को फील होता है जेलसी फील होती थी मैडनेस फील होती थी। क्यों? क्योंकि कृष्णा उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं कृष्णा उनसे दूर रह रहे हैं है ना। दर्शनम मर्महतम करो तुआ मुझसे छुप जाते हो तो दिल टूट जाता है गोपी राधा रानी से। इस तरीके से राधा रानी बम्बल बी को भी क्रिटिसाइज भंवरे को भी क्रिटिसाइज कर रही थी शी वाज टॉकिंग लाइक अ मैड वुमन। तो इस तरीके से जैसे राधा रानी हो जाती हैं अब उनको राधा भाव फील हो रहा है पूरा एंड चैतन्य महाप्रभु जो कृष्णा है जो राधा भाव फील करने आए हैं वो फील कर रहे हैं लास्ट के कुछ साल में। और उनसे हैंडल नहीं होता था एक्चुअली ऐसे बताते हैं कि वो दीवार को ऐसे नोचते थे अपने हाथ से अपने नाखून से ये सब अंत्य लीला में दिखाया बताया हुआ है। बहुत ज्यादा मैड टाइप सिम्टम्स थे और हैंडल नहीं कर पाते थे वो
तो ये यहाँ पे राधा रानी का बताया कैसे वो उद्धव जी के साथ कैसे बात कर रही थी, भंवरे से कैसे बात करती थी, मैड वुमेन की तरह एक्सटैटिक इमेजिनरी टॉकिंग। तो थोड़ा सा हमें कुछ थोड़ा सा झलक मिल गई है कि कैसे होंगे महाप्रभु अंत में एकदम। ओके आई थिंक स्टॉप करते हैं बस। ओके थोड़ा वी कैन टॉक। तो बहुत ही इंटेंस सिम्टम्स थे लास्ट में, बट दिस इज व्हाट ही केम फॉर। कृष्णा वांटेड टू फील व्हाट राधा रानी फील एंड ही इज फीलिंग एंड इट्स वेरी अनइमेजिनेबल। I'll stop the recording and then we can talk a little bit. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. राम 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 राम।